परम अवतार श्री कृष्ण। अगले हफ्ते परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। देखना ना भूले परम अवतार श्री कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कौन हो? ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। अब क्या हुआ? बाय राम नहीं काकी। अरे आपको मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु, कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अब भी खीर के पास हैं। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो भैया मुझे पुकार रही है। कान्हा की बात कभी असत्य हो ही नहीं सकती। कान्हा ने कहा की पुकार रही है, तो गैयों को तुम्हारा नाम पुकारना ही होगा। गैया सिर्फ धामा को ही नहीं, तुम सबको पुकार रही है। तो हमारा नाम क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है कान्हा? क्योंकि तुम्हारा नाम गैया पहले ही पुकार चुकी है। जाओ जाओ, शीघ्रता करो। जब तक तुम लोग नहीं जाओगे तो गैया शांत नहीं होंगी। दाऊ, आप लोग खड़े क्यों हैं? यदि गैया शांत नहीं होंगी तो सारे गोकुलवासी अशांत हो जाएंगे। कान्हा, तुम केवल हमें ही क्यों भेज रहे हो? तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? ठीक है दाऊ, मैं ही चला जाता हूँ। किंतु दाऊ, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से गैयों को कैसे संभालूंगा? मुझे क्या, मैया पूछेगी तो मैं बता दूंगा कि मुझे दाऊ ने भेजा है। तेरू कान्हा, कान्हा, वैसे तो मैया के लड्डू सदैव ही स्वादिष्ट होते हैं, किंतु आज के लड्डुओं की बात ही कुछ और है। कान्हा, तुम भी खाओ। नहीं दाऊ, मैया कहती है संतोषम परम सुखम। कान्हा, तुम और संतोष, तुम्हें तो यह संतोष समझ में भी नहीं आता। दाऊ, आपके संगत में रहके थोड़ी थोड़ी बुद्धि हमें भी आ गई है। चलो अच्छा है, तुम्हें पता तो चला तुम्हारे दाऊ कितने समझदार हैं। हाँ दाऊ, अगर मैं कल आपकी बात मान के खीर नहीं खाता तो मेरे सका मुझसे टूटे नहीं होते। किंतु मैंने सखाओं की प्रसन्नता के लिए तो खीर खाई थी ना। सखाओं की प्रसन्नता के लिए? हाँ दाऊ, मैया तो तभी प्रसन्न होती है जब मैं उनका लाया हुआ सारा माखन खा जाता हूँ। कान्हा, यही तो समस्या है। तुम सारा काम अपने मन से करते हो। देखो,
मैं तुमसे बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। यदि तुम चाहते हो तुमसे कोई भूल ना हो तो तुम सभी काम अपने दाऊ से पूछ कर किया करो। तो यहां भगवान कंस के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, एक ऐसा षड्यंत्र जिसके कारण भगवान कंस को मेरी शक्तियों, पूतना की शक्तियों पर भी संदेह हो गया। रोहिणी दीदी देखिए ना, इस ताले को पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा। हे भगवान, क्या हो गया इस ताले को? अभी काना होता तो झट से खोल दे। अंततः उस रात कारागार के ताले खुले कैसे? ओ गॉड, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोरट से उठा। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। छुटकी बोहरा ने उस दिन शाम को जब मैं हेलो बा, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? भगवान जाने काम्या की मंशा क्या है। मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर? वो सब जानती है। विद्या, काम्या ने देवांग को क्यों किडनैप किया है और उसे देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ हम सबको, आखिर काम्या को देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? अभी सर लीव, गेटिंग लेट। अरे कहाँ जा रही हो, साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तो मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? फॉर दिस तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक। हेलो हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई सरे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। गलत बात होता है। बिल्कुल, बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर्फ बेसिर पैर की हरकत है।
बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बढ़ो तो राजनीति कर रहा है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी अहलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू, और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही हो बेटे, इसकी चिट्ठी है ये? मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटे क्या लिखा है उसमें? बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बढ़ो तो राजनीति कर रहा है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी अहलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू, और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।